हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर हर्षद कामदार, आप सबका मेरी चैनल डीआर हर्षद कामदार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु की देखभाल के बारे में। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को अच्छे से लपेट कर माँ के आंचल में रखें, ताकि शरीर का तापमान ठीक बना रहे। जहां तक संभव हो मां के शरीर में सीने से लगा कर रखा जा सकता है। दोस्तों, शिशु को पोषण के लिए केवल स्तनपान जारी रखना चाहिए। इस स्तर पर विटामिन, कैल्शियम, आयरन या किसी अन्य ताकत के बूंदों की आवश्यकता नहीं होती है। कम से कम 4 माह तक केवल दूध ही देना चाहिए। पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राइप वाटर या जन्म गुटी जैसी कोई चीज देने की जरूर नहीं है। बच्चे को दूध पिलाते समय बच्चे का सिर थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। बच्चे के गालों को माँ के शरीर से दबाना चाहिए। माँ की नज़र बच्चे पर होनी चाहिए, जैसा कि चित्र में बताया गया है। बच्चों को माँ के लिए सुविधाजनक तरीके से बिठाकर या लिटाकर बच्चे को अच्छी तरह से खिलाया जा सकता है। बच्चे को जब चाहे तब दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाने के बाद कंधों को सिकोड़कर पीठ को झुकाकर इस डकार दिलाना जरूरी है। बाद में बच्चे के पेट से जो थोड़ा सा दूध या दही निकलता है वह डकार दिलाने से कम हो जाता है। इसे बर्पिंग कहते हैं। बच्चे के शरीर की गर्मी को बनाए रखना जरूरी है। माँ का दूध खिलाते रहो, नियमित वजन करना। संक्रमण को रोकने के लिए त्वचा, आँख, कान, पैर आदि की देखभाल करना और गंभीर लक्षणों को पहचानना और उचित रूप से किसी बड़े हॉस्पिटल में रिफरल करना जरूरी है। बच्चे का वजन चार्ट नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए और पर्याप्त भोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। माँ अब धीमे धीमे घर के काम में और अन्य दैनिक गतिविधियों में अधिक शामिल हो गई है, इसलिए यह देखना चाहिए कि बच्चे के प्रति ध्यान कम ना हो। शुरुआत में जन्म के बाद 5-6 दिनों में बच्चे के वजन में कुछ कमी आती है और बाद में 10वें दिन यह जन्म के वजन के बराबर हो जाता है। किसी भी स्थिति में वजन जन्म के वजन के 10% से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए वजन चार्ट रखना ज़्यादा जरूरी है। वजन चार्ट देखकर एक अनपढ़ माँ भी अपने बच्चे की स्थिति को तुरंत समझ सकती है और बच्चे की देखभाल में सक्रिय रुचि ले सकती है। इस अवस्था में कई शिशुओं में पीलिया प्रकट होता है, आमतौर पर 3रे-4थे दिन के बाद। लेकिन जब तक बच्चा ठीक से दूध पी रहा है और पीलिया बढ़ नहीं रहा है तथा कोई अन्य समस्या नहीं है, तब तक विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है। यदि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पहले बच्चे को नवजात काल में पीलिया की जानकारी है और इलाज कराया है तो विशेष देखभाल जरूरी है। यदि जन्म के बाद पहले या दूसरे दिन पीलिया दिखाई दे तो तुरंत बड़ी अस्पताल भेजना चाहिए। कुछ बच्चों में ऐसी समस्याएं भी होती है जिनके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जैसे अन्न प्रणाली और श्वास नली की विकृति, आंत का अविकसित होना, मलद्वार का अनुपस्थिति, फटा तालू आदि। ऐसी समस्याओं को पहचाना जाना चाहिए और उपयुक्त अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए जहां सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, इस तरह नवजात बच्चे की विशेष देखभाल अगर की जाए तो नवजात बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा और उसका वृद्धि और विकास अच्छा होता रहेगा।